नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को क्रोशेट सूत्र चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह का थार पोस्ट डिजाइन लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से नॉट लगा करके चार चेन लेंगे, एक दो तीन एक चार। चार चेन लेने के बाद फ्रेंड्स, ये पहला वाला जो चेन है इससे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। फिर इसी में इसे डाल करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, यह 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13 हो गया और एक ये 14 डबल क्रोशिया। इसके बाद पहला वाला चेन से ये जो तीन है, एक दो तीन, तीसरा चेन से इस तरह से जोड़ के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन चेन लेकर के फ्रेंड्स इसी सेम लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को डबल क्रोशिया बनाएंगे दो दो बार। देखिए फ्रेंड्स, यह टोटल 28 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक दो तीसरा वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक दो तीन चेन लेंगे और एक चेन और ले लेंगे गैप वाला। इसके बाद फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वाला चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड फ्रेंड्स एक एक चेन ले करके सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह 28 का 28 राउंड में पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसका तीसरा वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद दो तीन चेन लेंगे फ्रेंड्स और इसके बाद दो चेन और लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाला चेन से। फिर दो चेन लेंगे फ्रेंड्स और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर दो दो चेन ले करके डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक बनाना है। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं। दो चेन लेने के बाद इसमें तीसरा वाला चेन में एक एक दो तीसरा वाला चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद दो तीन चेन लेंगे, दो और लेंगे और इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाला पर। इस बार फ्रेंड्स, दो दो चेन लेने के बाद सेम इसी पर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीसरा चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर दो चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे। इसके बाद इसी में सेम लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और एक
इसमें बनाएंगे, तीन, फिर इसमें दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक इसमें बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद इसमें तीसरा चेन में एक दो, तीसरा चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद तीन चेन लेंगे, दो, तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार, पाँच, एक, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, एक, दो, फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे छः बार। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर छः पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया करते हुए एक दो, तीसरा वाला चेन से स्लिप स्टिच इस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको करेंगे नहीं फ्रेंड्स, इस तरह से करके यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसी में करते हुए इस तरह से करेंगे, सिंगल एक क्रोश एक चेन लेंगे, इसके बाद आप एक एक दो चेन को छोड़ते हुए तीसरा चेन में इस तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद पांच चेन लेंगे, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इससे यहाँ से लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद दो बार लेंगे ट्रिपल क्रोशिया, सेम स्टिच में यहीं पर सेम में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक बार फ्रेंड्स, फिर एक बार इस तरह से लपेटेंगे और एक और दो को छोड़ते हुए तीसरा में इस तरह से करेंगे। इसके बाद तीन चेन लेंगे, दो, तीन, तीन चेन लेने के बाद यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर तीन बार दो बार इस तरह से लपेटेंगे और सेम स्टिच में यहीं पे इस तरह से बनाएंगे, फिर एक बार इस तरह से लपेटेंगे, एक दो छोड़ते हुए तीसरा में इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ फिर एक बार लिए और ये लास्ट में इस तरह से बना दिए इस तरह से, फिर तीन चेन लिए, इस
अच्छा से डबल क्रोशिया बना दिए। इसके बाद इसमें एक दो तीसरा चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बना कर दिया। इसके बाद इस उनको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा तैयार हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें करेंगे तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गया फ्रेंड्स, तीन, एक चार, एक तीन चेन लिए थे और तीन डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। और इसी तरह से इन सब में जितना भी है सब में चार चार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको यहाँ से तो तीसरा वाला चेन में इस तरह से करेंगे और इसको निकालते हुए एक चेन लेंगे, फिर इसी में फ्रेंड्स इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद सारे चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। करके दिखाते हैं पूरे राउंड को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक करने के बाद अब इसको इससे इस तरह से जोड़ देंगे। ये दूसरा कलर ग्रीन कलर लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर इसी में इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, फिर एक बार इस तरह से लपेटेंगे और इसके बाद इस तरह से बनाएंगे। दो चेन लेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद एक दो तीन छोड़ने के बाद चौथा में इस तरह से बनाएंगे, फिर एक बार लेंगे, फिर इसी में इस तरह से करेंगे। तीन तीन ऊपर आ गया, फिर ये तीन को एक साथ कर देंगे, फिर इसमें दो चेन लेंगे, फिर इसमें इस तरह से करेंगे, तीन बच गया इस तरह से, फिर दो चेन लेंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो चेन लेकर के एक दो चेन लेकर के यहाँ तीसरा चेन में इस तरह से डाल करके
स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसके बाद फिर एक कलर लगाएंगे, इस तरह से एक एक दो तीन से एक दो तीन चेन लेंगे फ्रेंड्स। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे छः बार, एक दो हो गया, एक चेन लेकर के दो तीन चार पाँच छ। इसके बाद फिर इस चेन वाला में से इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। इसके बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और ये वाला चेन से इस तरह से करते हैं सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर तीन चेन लेंगे, तीन, इसी में से करते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर तीन चेन लेंगे, दो तीन, इस तरह से बना देंगे फ्रेंड्स। फिर दो चेन लेंगे, एक दो, और इसमें इस तरह से बना देंगे। फिर दो चेन लेंगे, सॉरी फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स छः बार। दो तीन लेंगे, इसी में इस तरह से बनाएंगे। फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन इस तरह से तीन हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर दो चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर दो चेन लेंगे, इसमें छः डबल क्रोशिया बनाते हुए तीन चार पाँच छ इसी तरह से कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स पूरे रो को। देखिए फ्रेंड्स, दो चेन लेने के बाद इसमें से यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको
कट कर देंगे। अब यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दो ठो। तीन चार पाँच छः, छः चेन लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर चेन चेन लेंगे दो तीन चार पाँच छः, और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस समय छः छः लिए, और यहाँ पर तीन ले करके इस तरह से डबल लूप लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद इसमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह, बारह बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से करने के बाद 12 बनाने के बाद इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इसके बाद इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, करके इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन करके कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा थाल पोस्ट डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।